आगे चूने के सेंटर में सेंटर ही चलो। हाँ इधर चलो यार, क्या चल गया करेंगे। आप प्लीज ध्यान से सुने उनकी बातें, वो आपको मोटिवेट करेंगे कैसे आप लोग आगे बढ़े। मैं जयकारा लगाऊंगा, जोर से बोलना आपको, ठीक है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राम कौंसल के हमारे सेक्रेटरी साहब, डिस्ट्रिक्ट अफसर सरदार जी, हमारी मैडम जी, हमारी कोच मैडम नए आए हैं, इनको मुबारक। हमारे दोस्त खड़े हैं, हमारे रतन जी खड़े हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप बच्चे जो हमारा समाज का, तो आपको आज ये जो स्टार्ट हुई है गेम, इसमें अच्छे तरीके से, दिलचस्पी से, अच्छे तरीके से खेलना है और खेल के जिले का नाम नहीं कमाना है, पूरे देश का नाम ऊंचा करना है। आप में से ही खिलाड़ी इंटरस्टेट खेलेंगे, डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, उसके बाद नेशनल खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे। आप सही, आप लगन से खेलना। आज हमारे आज माई यूथ माई प्राइड के उसके ऊपर आज जो प्रोग्राम जहां चल रहे हैं स्टेडियम में, स्पोर्ट्स के, जिमनास्टिक के, जुडो के, और आज रस्सा खिंची आपने देखी होगी कि हमारे जो सीनियर सिटीजन जो हमारे JKP के, आज उन्होंने बड़ा दमखम से रस्सा खींचा है और कंपटीशन बड़ा अच्छा लगा। तो बड़ा लगा कि उनमें अभी भी इतना दम है कि अभी वो, मुझे लगता है कि रिटायर्ड होने के स्थिति में है, वो 2-4 साल ही नौकरी है, तो लेकिन अब भी उनमें इतना दम है कि वो यंग जैसे हमारे नौजवान उनकी तरह आज उन्होंने जो रस्सा खींची की है। तो मेरे साथ जहाँ आज डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं, जहाँ हमारे बहुत ही डेडिकेशन से काम करते हैं हमारे रतन जी, एक और बड़ी खुशी की बात कि हमारे बीच में आज मिताली जी हैं जो कि इंडिया टीम की कोच है, और ये नेशनल और इंटरनेशनल जिमनास्टिक में बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए कि आज हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं। तो ये हमारे बच्चों के लिए और अच्छा, ये जो इनका यहाँ आना तो हमारे बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा है, एक सौभाग्य है उनका कि ये उनको अच्छी ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि ये खुद नेशनल इंटरनेशनल जो खेल के आए हैं, इतने अच्छे खिलाड़ी, इतने अच्छे कोच जो हमारे कठुआ में आज यहाँ आए हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इनका भी और हमारे सरदार साहब का, रतन जी का, जितनी भी यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग टीम है कि बहुत ही जो हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चे देश की हमारी जान है, हमारा भविष्य है, हमारे समाज का, यही बच्चे हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। तो जे बच्चे आगे जाएं, नेशनल खेलें, इंटरनेशनल खेलें, हमारे ज़िला का, JKUT का, पूरे देश का नाम जो पूरी दुनिया में ये कमा के लाएं, वो हमें बहुत गर्व होता है इन बच्चों पे। तो हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं इनको ताकत मिले, ये हमारे कोचेज हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारे जितने भी हैं, इनको भी ये और भगवान आशीर्वाद दे के बच्चों को अच्छे तरीके से ये उस लाइन में लेके आएँ। और बच्चे हमारे पढ़ने में भी देखा आपने बड़े अच्छे हैं, और खेलों में भी अच्छे हैं, फिजिकल फिट रहें, और नशे से बड़ी बात है हमारे बच्चे, जो आज प्रकोप नया चल रहा है पूरे देश में ही है कि नशा,
नशे की ओर छोटे छोटे बच्चे 18 साल 15 साल वो बच्चे बिल्कुल वहाँ से दूर चले जाएंगे, उनका इंटरेस्ट जो है वो अपनी बॉडी अपनी सेहत के ऊपर आएगा और वो खेलों में दिलचस्पी लेंगे तो वो नशे से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, वो माँ बाप को भी सुख होगा। बड़े बड़े अच्छे अच्छे माँ बाप को पता ही नहीं चलता हमारा बच्चा, तब पता चलता है जब उन बच्चों को कुछ हो जाता है, बीमार हो जाते हैं या चले जाते हैं इस दुनिया से, तो बड़ा दुख होता है माँ बाप को, हम सबको, हमारे समाज के बच्चे। हमें अपने बच्चों को बिल्कुल सही ढंग से सही दिशा देनी है और गंदी सोसाइटी से दूर रखना है, खेलों की तरफ लाना है, पढ़ाई की तरफ लाना है, तो फिजिकली फिट रहे हमारे बच्चे, ये हमारी देश के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो ये जो हाँ जाज जहाँ जो जुडो का आपने देखा होगा कि प्रोग्राम शुरू हुआ, बच्चों कितने अच्छा बच्चों ने प्रदर्शन किया है, जुडो का है, कबड्डी का है, बैडमिंटन का, वॉलीबॉल का, हर किस्म की जहाँ हॉकी का गेमें हो रही हैं, तो मैं कोच साहब को भी और हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर साहब को भी, रतन जी साहब को, यहाँ की टीम को कहता हूँ कि इन बच्चों को और ज़्यादा हमारी तरफ से कोई भी मदद की ज़रूरत हो एडमिनिस्ट्रेशन से, हम मिलकर आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। तो हमारे कठुआ में भी माई यूथ माई प्राइड का यही सब स्टार्ट हुआ और मैं भी यही चाहती हूँ कि बच्चे हमारे आगे निकले। पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है सारे बच्चे आएँ और हर गेम में पार्टिसिपेट करें, अपने देश का नाम रोशन करें, बस मेरी यही उनसे बेटियों के लिए यही है कि मैं पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ स्पेशल कि बेटियों को बाहर निकालिए, बेटियाँ भी आजकल लड़कों से ऊपर ही हैं और मैं भी एक बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ जैसे मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने कोचेज़ का नाम रोशन किया, मेरे कोचिज़ हैं कृपाली पटेल सिंह, वो भी अर्जुन अवार्डी है, वो भी एक लेडी हैं, और एसपी सिंह सर जो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ आज। बस मैं लड़कियों को कहती हूँ बाहर निकलो और अपना देश का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच।